हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय जीके स्टडी। इस वीडियो में जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि फैब 2015 में आरपीएफ के एग्जाम में आए थे। और ये क्वेश्चन जीके के हैं, तो आपको पता है ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मॉडिफाई करके। तो मेक श्योर कि आप जो है इनको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नागालैंड, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। देश के राज्यों में सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 1180 किलोमीटर है। ये भूटान के साथ 160, चीन के साथ 1080 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर तक सीमा से सटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस वस्त्र का नाम एक फ्रेंच ड्रेस मेकर के नाम पे पड़ा है? ऑप्शन है लिनेन 1, क्रैप 2, जॉर्जलेट 3, शिफॉन 4। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 जॉर्जलेट। एक महीन प्रकार का हल्के वजन वाला बारीक कपड़ा है। इसका नाम आरंभिक 20वीं शताब्दी के पोशाक बनाने वाले फ्रांसीसी जॉर्जेट दी लॉ प्लैनेट के नाम पर रखा गया। मेनली रेशम से बना जॉर्जेट उच्च कोटि के सूत से बनता है। ये शिफन से कम चमकीला और अधिक उछाल वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर 2 गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर 3 गुरु नानक, ऑप्शन नंबर 4 रणजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक एवं सिख गुरुओं में प्रथम थे। लगभग 30 मिलियन अनुयायियों सहित सिख धर्म विश्व का 5वां सबसे बड़ा संगठित धर्म है। भारत में पंजाब विश्व का एकमात्र सिख बहुलता वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर फोर है, आईआईटी जेईई के लिए आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ी जातियों से आने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्था के संस्थापक कौन हैं? इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन है 1 अनुराग आनंद, दूसरा सुनील कुमार, तीसरा आनंद कुमार, चौथा नीतीश कुमार। इसका राइट आंसर रहेगा आंसर 3 आनंद कुमार। आनंद कुमार द्वारा रामानुज गणित विद्यालय के बैनर तले बिहार के पटना में सुपर 30 की शुरुआत की गई। 2002 में स्थापित इस संस्था में प्रत्येक वर्ष समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को चुना जाता है और इन्हें आईआईटी जेईई के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसके चार ऑप्शन है 30 जनवरी, 29 अगस्त, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 31 अक्टूबर। भारत सरकार ने अक्टूबर 2014 में निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। पटेल जिनको भारत के लौह पुरुष की संज्ञा मिली है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन टू है अफ्रीका। जिराफ अफ्रीका का स्थानीय पशु है जो मध्य अफ्रीका के चाड से दक्षिण अफ्रीका तक पाया जाता है। ये मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे सावना, घास स्थल और खुले वन स्थल आदि। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है? जिसके चार ऑप्शन है 1 चीन, 2 जापान, 3 वियतनाम और 4 दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा जापान। जापान सुमो एक पूर्ण स्पर्ध कुश्ती स्पर्धा वाला खेल है, जिसमें एक पहलवान दूसरे पहलवान को बलपूर्वक वृत्तीय वलय से बाहर धकेलने का प्रयास करता है। इसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी, जो एकमात्र देश है
जहां इसका अभ्यास पेशों के तौर पर किया जाता है। समानते इससे इसे आधुनिक जापानी लड़ाकू कला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर एट डैश के दरबार में अमीर खुजरो एक प्रसिद्ध कवि थे, जिसके चार ऑप्शन है शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा टू, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुजरो दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक शासकों के शाही दरबारों से संबंधित थे, लेकिन वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राजकवि थे। उनकी पुस्तक खजैनुल उल फुलाह में अलाउद्दीन के युद्धों एवं प्रशासनिक सेवाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से किस चिकित्सा हालात को प्रकार ए तथा प्रकार दो में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके ऑप्शन है 4 1 मधुमेह, 2 हेपेटाइटिस, 3 रतौंधी और 4 सामान्य सर्दी जुखाम। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मधुमेह। समानते मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को या तो इंसुलिन का अभाव मधुमेह प्रकार 1 या फिर इंसुलिन की अत्यधिक अल्प मात्रा मधुमेह प्रकार 2 होती है। प्रकार 1 एवं प्रकार 2 मधुमेह क्रम अनुसार शुरुआती या इंसुलिन आरंभिक मधुमेह अथवा अंतिम या गैर इंसुलिन आश्रित मधुमेह कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है, जिसके चार ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री नंबर 1, 2 उप प्रधान राष्ट्रपति, नंबर 3 थल सेना प्रमुख और नंबर 4 राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के आदेशात्मक प्रमुख के तौर पर कार्य करते हैं, जबकि कार्यात्मक नियंत्रण कार्यकारी में निहित होता है। देश की सुरक्षा का जिम्मा उत्तरदायी रक्षा मंत्री का होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है, और चार ऑप्शन है, ऑप्शन बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। जिसका राइट आंसर रहेगा बृहस्पति ग्रह। आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल एवं इसके उपग्रह शुद्ध ग्रह, बाह्य ग्रह के एवं क्यूपर पट्टी, पिंड आदि की सतहें ठोस होती हैं। बाह्य ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आदि बृहत गैसीय गोले होते हैं, इसकी सतह ठोस नहीं होती है। तो इसका आंसर राइट रहेगा बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार राज्य में भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले लिट्टी में कौन सा मुख्य पदार्थ भरा जाता है, चार ऑप्शन है प्याज, आलू, सब्जी, सत्तू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लिट्टी। गेहूं के आटे एवं सत्तू चने का आटा या बेसन से बना होता है, जिसे गेंदनुमा बनाया जाता है। इसमें छिद्र के माध्यम से सत्तू से बने मसाले एवं घी आदि भरे जाते हैं। पारंपरिक तौर पर लिट्टी को उपले के आग में सेका जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड स्थितिकरण किस प्राकृतिक परिघटना के माध्यम से होता है, ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, दूसरा वर्षा, तीसरा गर्जन, चौथा आंतरिक किरण। तो इसका राइट आंसर है सूर्य प्रकाश। इसका राइट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के शर्करा में रूपांतरण की प्रक्रिया कार्बन निर्धारण प्रक्रिया कहलाती है। पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके शर्करा का निर्माण करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा से कार्बन नियंत्रण प्रक्रिया प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट खेल के अलावा और किस खेल में स्ट्राइकर होता है, चार ऑप्शन है लूडो, खो खो, कैरम, शतरंज। इसका राइट आंसर रहेगा कैरम। कैरम एक मारो और जेब में डालो खेल है, जो कि पूर्वी लोगों के खेल बिलियर्ड्स और शफल बोर्ड से मिलता जुलता है।
इस खेल में जो स्ट्राइकर मारक इस्तेमाल में लाया जाता है वह चिकना और गोल 4.13 सेंटीमीटर से कम व्यास वाला एवं 15 ग्राम से कम वजन वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस्लामिक राज्य डैश के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं। चार ऑप्शन है, यूक्रेन, लेबनान, इराक, सीरिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा यूक्रेन। इस्लामिक राष्ट्र एक इस्लामवादी आतंकी समूह है जो कि इराक एवं सीरिया के कुछ क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। पूर्वी लीबिया, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, लेबनान एवं अन्य मध्य पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्से भी इस्लामिक प्रभाव क्षेत्र में हैं। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से किस राज्य का नाम अम्रकुंज वृक्ष के स्थानीय नाम पर रखा गया है। चार ऑप्शन है, वृंदावन, सुंदरबन, मसूरी, मधुबनी। राइट आंसर रहेगा सुंदरबन। सुंदरबन बंगाल का एक प्राकृतिक क्षेत्र है। इसका नाम सुंदरी वृक्ष की अधिक मात्रा में इन वन में पाए जाने के कारण पड़ा है। सुंदरी वृक्षों के नीचे लगी हुई झाड़ियां मैंग्रोव के ही पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अभी फिलहाल वैसे तो ये 2015 के फैब मार्च में क्वेश्चन आया था, तो उसका जो आंसर है, जैसे चार ऑप्शन है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 3, रघुवर दास। और भारत के झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री, उस समय 2015 के कह रहा हूँ मैं, फरवरी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय की बात हो रही है, मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2014 को झारखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, यदि आप लाल किले में हैं तो आप किस शहर में हैं। चार ऑप्शन है, आगरा, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली। लाल किला दिल्ली में है और दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका निर्माण 1648 में मुगलों के पांचवें शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यह लगभग 2000 वर्ष अर्थात 1857 तक मुगलों का आवास रहा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है। चार ऑप्शन है, पणजी, विशाखापट्टनम, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन नगर है। इसे प्राय पूर्वी तट का गहना कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, इनमें से कौन सा एशियाई देश भूमध्य देश नहीं है। चार ऑप्शन है, अफगानिस्तान, लाओस, मंगोलिया, कंबोडिया। राइट आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया उत्तर पश्चिम में थाईलैंड से, उत्तर पूर्व में लाओस से, पूर्व में वियतनाम से और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा है। ये भूबंद देश नहीं है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत चीन प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्से में स्थित है। तो गाइज, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और इसी प्रकार के जीके के क्वेश्चन के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।